परिमल जी, परिमल जी दो सवाल सर मैं कहना चाहता हूं, जैसे रोजगार की बात हो रही है तो रोजगार के इश्यू के ऊपर सर, क्या आपको पता है कि पंचकुला में हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग के लिए बच्चे 16 दिन से धरना दे रहे हैं और 6 दिन से भूख हड़ताल पर है, और किसी सरकारी प्रतिनिधि ने उनसे बात भी नहीं की है अब तक? तो क्या जैसे इस लोकतंत्र में पार्लियामेंट्री जो है डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर उन युवाओं का जो कि वोट भी डालेंगे आगे, और बहुत बार जो है मैंने सीएम साहब से, वे भी सोनीपत में आए थे, वहां पर भी उनकी ज्वाइनिंग का मुद्दा जो है मैंने उठाया था, तो क्या कोई सरकार का प्रतिनिधि उनकी बात सुनेगा, हमारी बात सुनेगा? कुछ लोग यहाँ पर भी हैं हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो उनकी ज्वाइनिंग का क्या रहेगा? 6 दिन भूख हड़ताल पर भूखे मर रहे हैं सर, और बहुत ज्यादा ठंड भी है इस टाइम पर जो है वहां पर ऐसे रहना, तो ये सब बातें। दूसरी बात मैं और करना चाह रहा हूं सर, आपने टेक्निकल एजुकेशन के अंदर कहा कि मात्र 3300 सीट होती थी, 1.5 लाख से ज्यादा आपने सीट की, बहुत अप्रिशिएबल काम किया था सर आपने, लेकिन आज के टाइम पर बहुत ज्यादा भारतीय युवा एजुकेशन के लिए विदेशों में जा रहे हैं, भारतीय एजुकेशन को पूरी दुनिया के स्तर पर उस लेवल पर नहीं समझा जा रहा, और अच्छी एजुकेशन के लिए जितने पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वे, या कुछ लोग जमीन बेच करके भी विदेशों की तरफ रुक कर रहे हैं, तो भारतीय एजुकेशन में क्या कमी है, और क्या विश्व स्तर पर भारतीय एजुकेशन आ पाएगी? अभी केंद्र में भी जो है मोदी जी हैं, और यहाँ पर भी राज्य सरकार में भी जवाब ले लेते हैं जी, पूर्व मंत्री है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। एक तो जिन बच्चों के यदि यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आए हों तो इस कंक्लेव के बाद में मेरे को वो अपना इशू दे दें, उसको रिजोल्व करवा के देना मेरी जिम्मेवारी का हिस्सा है। ताली हो जाए। दूसरा, बड़ा भरोसा दिया है छतरपाल सिंह जी ने, क्योंकि धरने पे बैठ जाते हैं, कई बार ध्यान नहीं दिया जाता है तो, लेकिन हमारे सामने तो जो भी विषय आता है हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उसको रिजोल्व करवा के दें। जिस दिन धरना चालू हुआ था उस दिन HSSC चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खदरी जी वहां पर गए थे, उन्होंने कहा था भाई तुम धरना मत करो और ये सब बातें थी, हम आपकी आवाज उठाएंगे। लेकिन सर ये घटना है 2018 की, 2018 में फॉर्म निकले थे हरियाणा पुलिस के।